नमस्कार, मैं साक्षी शर्मा, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र के पुणे शहर में कच्ची शराब ले जा रहा टैंकर बेकाबू होकर गहरी खाई में गिरा, कई लोगों के मारे जाने की आशंका। उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री हुई द केरला स्टोरी, पूरे मंत्रिमंडल के साथ 12 मई को फिल्म देखने जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सलमान खान को गोल्डी बराड के नाम पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में मुंबई पुलिस सख्त, आरोपी के खिलाफ जारी किया लुकआउट नोटिस। विवादों में घिरी फिल्म द केरला स्टोरी के क्रू मेंबर को एक अनजान नंबर से मिला जान से मारने का धमकी भरा मैसेज, मुंबई पुलिस ने मुहैया कराई सुरक्षा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का देश भर में हल्ला बोल, जगह जगह हनुमान चालीसा पाठ करने का किया ऐलान। ऑटो और टैक्सी वालों के लिए ट्रैफिक पुलिस हुई सख्त, यात्रियों को ऑटो टैक्सी में बिठाने से मना करने वाले वाहन चालकों के लाइसेंस किए जाएंगे रद्द। महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने अजीत पवार पर दी प्रतिक्रिया, कहा बीजेपी ने एनसीपी नेता अजीत पवार से कभी संपर्क नहीं किया, अजीत पवार को महाविकास आघाड़ी कर रही है बदनाम। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार के इस्तीफे को बताया नौटंकी, कहा इस्तीफे का पूरा मामला था एक कहानी। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने द केरला स्टोरी और बजरंग दल पर बैन के मुद्दे पर दिया बड़ा बयान, कहा किसी धर्म पंथ और संस्था का विरोध करने का अधिकार नहीं, फिल्म के जरिए केरला की सच्चाई आ रही है सामने। मध्य प्रदेश के खारगोन में बड़ा हादसा, पुल से नीचे गिरी चलती बस, हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत, 20 यात्री के घायल होने की आशंका, रेस्क्यू अभियान जारी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुंबई समेत महाराष्ट्र की बड़ी खबरों के लिए यूट्यूब पर इन 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।